चटनी है टोमेटो का. हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो. एंड टूडे इज आई थिंक, व्हाट इज द डेट, लेट मी चेक आउट. यप, सो टूडे इज एक्चुअली 16th ऑफ सेप्टेम्बर एंड दिस वीडियो वॉज शॉर्ट यू नो 2 weeks बैक. एंड कभी कभी मैं ऐसे हरकत करती हूँ कि बहुत सारे वीडियोज जब लाइन अप हो जाता है तो एडिटिंग थोड़ा स्लो हो जाता है एंड ड्यू टू विच यू नो आई पब्लिश द वीडियो लेट. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस वीडियो वॉज शॉर्ट एक्चुअली फ्यू डेज बैक एंड सम अदर वीडियोज वेर ऑल्सो लाइंड अप ड्यू टू विच माई एडिटिंग वॉज डिलेड एंड पब्लिशिंग इज ऑल्सो डिलेड. तो इसीलिए आप ये वीडियो थोड़ा लेट देख रहे हो. बट नेवर्थलेस टूडे आई गॉट डन विद द एडिटिंग एंड फाइनली आई एम पब्लिशिंग इट. सो आई होप यू एंजॉय. ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू माई चैनल एंड सीइंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज मनोलिना एंड इन दिस चैनल आई शेयर अ लॉट ऑफ डिफरेंट वीडियोज ऑन travel, lifestyle, decor, and if you like to see this kind of videos, do consider subscribing and hit that tiny little bell icon so that you stay connected with me. Now, without further delay, let's finally start with the video. हे गाइज, आज हो रहा है सैटरडे. सो दिस इज सैटरडे मॉर्निंग प्रैक्टिकली, बट आई डोंट फील लाइक मॉर्निंग एट ऑल. लग रहा है कि शाम होने को आया है. तो सुबह सुबह उठते ही बारिश दिखने को मिल गया एंड अभी जो है बारिश थोड़ा सा कम हुआ है, बट द वेदर इज सो क्लाउडी एंड ग्लूमी. आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग. मुझे लग रहा है कि मैं वापस सो जाऊँ, तो लग ही नहीं रहा है कि उठ के कुछ काम करूं, बट उठना तो पड़ेगा ही. आई हैव फ्यू थिंग्स लाइंड अप टुडे. मैंने बहुत कुछ प्लान करके रखा था फॉर दिस वीकेंड. तो आज मेरा गार्डनिंग डे था, मतलब आज मुझे कुछ कुछ प्लांट्स को पॉट्स में ट्रांसफर करना है एंड बैल्कनी का जो लास्ट बिट ऑफ सेटअप है ना, वो मैं अभी कर रही हूँ. मे भी थोड़ी देर बाद आई हैव टू गो आउट ऑल्सो. किसी के घर मुझे थोड़ा जाना है, एक फ्रेंड के घर मुझे जाना है एंड मे भी वापस आके मैं करूँगी. पता नहीं मैं कब करूँगी, आई एम टोटली लॉस्ट. सो गाइज, दिस इज द मेसी सैटरडे मॉर्निंग सीन. सुबह सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट खा रहे थे. वी हैड उत्तपम, तो सांबर चटनी ये सब पड़ा हुआ है. हे गाइस, तो अभी बज रहा है 3 एंड मैं शावर लेके आ चुकी हूँ. एक्चुअली हम दोनों ही शावर लेके आ चुके हैं, बट अभी कुछ बन रहा है जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं. उसके बाद लंच करेंगे. तो आज लंच में क्या क्या बना है, लेट मी शो यू क्विकली. तो दिस इज खिचड़ी. तो रेनी सीजन में ये वाला खिचड़ी एक्चुअली बहुत ही अच्छा बनता है. दिस इज मेड विथ अ पर्टिकुलर स्मॉल ग्रेन राइस जो गोविंद भोग चाल बोलते हैं. अगर बंगाली हो आप में से कोई तो ज़रूर समझ पाओगे. सो दिस इज गोविंद भोग चालेर खिचड़ी जो बहुत ही फेमस है इन बंगाली कुकिंग में. ओके, दिस इज ओमलेट, आलू भाजा मतलब फ्राइड पोटैटो एंड दिस इज चटनी. ये स्वीट चटनी है टोमेटो का एंड उसके साथ बन रहा है फिश फ्राई जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है. तो ये है फिश फ्राई
तो अभी अच्छे से इसको फ्राई करना है एंड उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। अभी मैं जाने वाली हूँ फैबिंडिया की तरफ क्योंकि मेनली मैं यहाँ आई हूँ टू चेक आउट देयर कलेक्शंस। सो राइट नाउ आई एम जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स फैबिंडिया एंड मैं आपको ऑब्वियसली लेके जाती हूँ। लेट्स चेक आउट देयर कलेक्शन। बेड कवर सेक्शन एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी वेदर वी कैन गेट अ बेड कवर। तो ये सारे छोटे बेड कवर्स है एक्चुअली, ये क्वीन साइज के बेड कवर्स है तो हम लोगों को तो बड़े बेड कवर चाहिए। तो या जस्ट चेक इट। तो फॉर्चुनेटली मुझे जो चाहिए था वो मिल गया एंड अभी हम लोग देख रहे हैं बेड कवर। सो लेट्स सी। तो हो गया मेरा जो शॉपिंग, जो भी ख़रीदना था आई एम डन एंड थैंकफुली मुझे सब कुछ मिल गया। एंड अभी हो रही है बिलिंग, तो बिलिंग करवाने के बाद हम लोग जाएंगे बाहर, थोड़ा घूमेंगे एंड डिनर भी करेंगे यहाँ। तो आज तो नहीं होगा बट शायद कल या परसों के बीच कभी मैं हॉल जो है आपके साथ शेयर कर दूँगी क्या क्या ख़रीदा है मैंने। दिस इज़ ऑल्सो फॉर वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स फॉर वन ऑफ माई वीडियोज़ जो बहुत ही जल्द आएगा आपके लिए। तो उसके लिए भी मुझे कुछ सामान की ज़रूरत थी एंड what can be the better place than Fabindia, right? मतलब मेरे लिए तो Fabindia always go to place है जहाँ जाते ही मुझे कुछ ना कुछ मिल ही जाता है जो मुझे चाहिए होता है। तो अभी वो सब पैक करवा रहे हैं, इसके बाद निकलेंगे यहाँ से। If you don't know what is Irish, they are this incense candle burners and this oils, scented oil sellers. तो यहाँ आप देख सकते हैं कितने सारे actually candles के options and these are the candle holders, some hanging candle holders and all. उस तरफ का जो section है ना वहाँ दो scented oil. तो this is actually one of my favorite places. When I have to buy this candle or candle holders या फिर incense burners, I always come at this place. So yeah. So I am getting something from here. I'll show you guys later कि मैं क्या ले रही हूँ यहाँ से।
whole Fabindia ka tour and the vlog. But guess what? While editing the video, I realized I didn't finish the video properly. मतलब उस दिन मैं वापस आके बहुत थक गई थी and then I didn't get a chance to actually end the video. So I wanted to also share few products that I got that day and which are actually pretty nice. उसमें से एक product है this makeup fixer. So this is actually a makeup setting spray. This is from Bodyshop. तो कोई भी experimental product अगर आप ले रहे हो, I will always suggest ki go for a good brand. Bodyshop is a comfort zone for me. Matlab mujhe agar koi new product try karna hai, Bodyshop is one of those brands I would always go and you know try new products. Kyunki aap jab koi new products try kar rahe ho, koi bhi brand se aap utha nahi sakte. Obviously you have to be little careful. To ye jo makeup setting spray hai, we all know what does it do. After you finish with your makeup, you need to spray this one for a long lasting makeup. Ye 60 ml ka bottle hai and this was I think 795 रुपीस. तो ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी लगा मुझे. मतलब ऑब्वियसली अगर आप कोई बहुत ही हाई एंड ब्रांड के साथ जाओगे, यू विल एक्चुअली एंड अप पेइंग डबल ऑफ व्हाट आई डिड. दिस इज समथिंग आई रियली यू नो फील गुड अबाउट. मतलब ये मैंने आई थिंक सम 3 to 4 टाइम्स ऑलरेडी यूज कर लिया है एंड दिस इज प्रिटी गुड. सो 759 फॉर 60 ml आई फाउंड इज रियली नाइस. नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिया था. इफ यू हैव सीन माई अर्लियर ब्लॉग्स आपको पता होगा. सो दिस वन इज अ बियर्ड ऑयल एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम बॉडी शॉप. तो दिस इज फॉर मेन ऑब्वियसली एंड इसका जो प्राइस है 1595 एंड फॉर 30 ml. तो आई एम नॉट श्योर अबाउट हाउ नाइसली इट्स वर्किंग. सो आई आस्क्ड शॉविक अबाउट इट. ही वॉज प्रिटी हैप्पी अबाउट द प्रोडक्ट. बेसिकली वॉट इट डज, यू हैव टू अप्लाई इट ऑन योर बियर्ड एंड इट विल गिव यू एन इंस्टेंट शाइन. तो उसके लिए ही थोड़ा है, ग्रूमिंग के लिए ही है. इट विल कम इन अ बॉटल लाइक दिस for 30 ml and it's a glass bottle and the cost was 1595. Also I got a perfume for him. So this was his birthday gift. तो हम दोनों ही इसको use करते हैं. So the price is actually 1545 for 100 ml. And the smell is really nice. The name of the perfume is White Mask Sports. So looks like this. Apart from that, I got two rugs from Fabindia. So one rug I have already shared in the earlier decor video, living room corner decoration video. आपने अगर नहीं देखा है, मैं link ऊपर डाल दूंगी. You can go and check out. And also I'll insert a video clip here. So this is one of the rugs. And the other one actually I have not shared with you all. I have that in my bedroom. तो quickly मैं आपको दिखा देती हूँ. These also I got an incense burner jiska video and picture both I have shared in my earlier video, living room corner bookshelf video. So do check that video for all that cute little you know decor ideas. So I'll insert a small clipping up over here for you. So yeah, that's all guys. This is everything that I got that day and I hope you like this video. If you like this video, do give it a big thumbs up and also share it across with your friends, families, with everybody. And yeah, stay connected and see you next time with another interesting vlog. Bye bye till then.